तानाशाह किम जोंग उन के उत्तर कोरिया देश में क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई है। क्या आप जानते हैं, हाल ही में यहां दक्षिण कोरियाई फिल्म देखने और साझा करने पर दो नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां दोस्तों, 16 और 17 वर्षीय दोनों लड़के साउथ कोरियन ड्रामा देख रहे थे, जिसे के ड्रामा और कोरियाई फिल्म भी कहा जाता है। उत्तर कोरिया में पहली बार इस तरह की सजा दी गई है। शहर के फायरिंग स्क्वाड के द्वारा दोनों लड़कों को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि दोनों लड़कों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसीलिए स्थानीय लोगों को भी इस खौफनाक मंजर को देखने का आदेश दिया है। बता दें कि दिसंबर 2020 में उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा एक कानून पारित करवाया गया था, जिसके तहत दक्षिण कोरिया से रिलीज किसी तरह की फिल्म से जुड़ी सामग्री का उपभोग करना एक जघन्य अपराध माना जाता था। दक्षिण कोरियन ड्रामा देखने और उसे शेयर करने पर जुर्माना, जेल और उससे भी बदतर फांसी की सजा हो सकती है। दोनों नाबालिग लड़के अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर कोरिया के रंगांग गैंग प्रांत के एक हाई स्कूल में मिले, जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जहां उन्होंने कई कोरियाई और अमेरिकी नाटक शो देखे। उत्तर कोरियाई सरकार को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वैसे ही दोनों नाबालिगों को जनता के सामने लाया गया और फिर सरेआम गोली मार दी गई। कोरियाई शासन के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए अपराध बुराई थे और स्थानीय लोगों को इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर कोरिया के कई ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर जेल जाना पड़े, या सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंसने के लिए आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें, ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब है। चलिए आपको बताते हैं इस देश से जुड़े चौंका देने वाले कानून के बारे में। विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया, जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वाले को फांसी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। उत्तर कोरिया की सरकार द्वारा माँ बाप को अपने बच्चों का नाम बॉम्ब, गन और सैटेलाइट रखने का आदेश दिया गया है। यहाँ इंटरनेशनल कॉल्स करने की इजाजत नहीं है। उत्तर कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स करना एक गुनाह माना जाता है। अपने लीडर किम जोंग उन को लॉयल्टी और मान सम्मान न देने पर मौत की सजा भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। इस देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जहां दुनिया डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है, जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। बाइबिल, जो कि क्राइस्ट धर्म की होली बुक है, उसे उत्तर कोरिया में बैन कर दिया गया है। साल 2014 में एक क्रिश्चियन महिला बाइबिल बेचते हुए पकड़ी गई, तो उसे फांसी की सजा दी गई थी। अमेरिकी टूरिस्ट अपने उत्तर कोरिया की टूर पर एक होटल में बाइबिल भूल गए थे। पकड़े जाने पर उस अमेरिकी टूरिस्ट को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। उत्तर कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग में सिर्फ अमीर और नामचीन लोगों को रहने की इजाजत है। उत्तर कोरिया के इस राजधानी में रहने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा।
यहाँ विदेश जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या बिना डॉक्यूमेंट के विदेश जाने की कोशिश करेगा तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंटरनेट, जिसे प्योंगयांग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसे खरीदने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश की कृषि में मदद मिल सके। भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि देश ये भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने में सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है, और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर कोरिया के कुछ सर फिरे से कानून। आपको कौन सा कानून सबसे खतरनाक और अजीब लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और कार्यों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।